गुरु के उपकार के बदले में यदि हम अपने शरीर का चाम उतार करके भी उनके पैर की जूती भी बना दें, क्या ये माना जा सकता है कि हम उसके ऋण से ऋण हो जाएंगे? असंभव होता है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया, जो सीख दी, जो प्रेरणा दी, जो आदर्श दिखाया, उसका मोल किसी भौतिक चीज से चुकाया नहीं जा सकता। ये आप सब बखूबी जानते हैं। इसीलिए पारक सिद्धांत के बहुत बड़े महापुरुष श्री श्री विशाल देव ने ये कहा है, उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरुसम और न आन। उपकारिन में उपकार गुरु, बहुत सारे उपकारी होते हैं। कोई धन से करता है, कोई तन से करता है, कोई किसी चीज़ से उपकार करता है, उसका महत्व है। लेकिन वो सबसे बड़ा उपकारी जो ज्ञान दान करता है, जिसने हमें जीने की राह दिखाई, एक प्रेरणा दी, सीख दिया। नहीं तो कह रहे ना, गुरु से जीवन शुरू होता है और गुरु बिना आदमी गोरू की तरह होता है। तो उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान। बहुत सारे दानियों का नाम आपने सुना इतिहास में, यहाँ तक दधीची जैसा ऋषि कहते अपने शरीर की हड्डी दान कर दिया था। बहुत से लोग दान किए, लेकिन उन सब दानियों में से गुरु का दान बड़ा होता है। और रक्षक में रक्षक गुरु, रक्षा करने वाले, जो अपने शरण में लेकर के शिष्य को उस माँ की तरह, जैसे माँ गर्भ में शिशु को लेकर के 9 महीना कैसे उसका पालन करती है, वही जान सकती है। कितनी मुसीबतें आती है, कितनी परेशानियां आती है, फिर भी माँ उन सबको बर्दाश्त करते हुए उस शिशु को जो गर्भस्थ है उसका कितना ख्याल करती है, कितना ध्यान रखती है। अब तब जा करके वो बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही इसी संदर्भ में अथर्ववेद की ऋषि अथर्वा ने कहा है, ब्रह्मचारिणी कृते गर्भमंता, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणी कृत गर्भमंता, तम रात्रि त्रिस तम जातम समदर्श देवता, ऐसा कुछ है कि आचार्य ने उपनय अर्थात तीसरा नेत्र देने के लिए माँ के समान वो अपने गर्भ में ले लेता है, अर्थात अपने शरण में ले लेता है और उसका उस प्रकार से लालन पालन करता है, देख रेख करता है, योग्य बनाता है। जब वही बच्चा यानी वही जिज्ञास वो साधक तम रात्रि त्रिस यानी 3 रात तक था अज्ञान जो अंधकार है उनसे जब बाहर आ जाता है, तब उसका दर्शन करने के लिए देवता भी आते कहते हैं। सचमुच में देवताओं का जो चरित्र वर्णन किया गया है वो तो बड़ा शिथिल है ना, तो आएंगे ही आएंगे। कितने शिथिल आचरण देवताओं का गिनाया गया है। तो ऐसे महापुरुष जिनकी उपमा हमारे संतों ने विभिन्न रूप से किया है कि माँ के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक कुम्हार के रूप में, एक किसान के रूप में, जैसे हीरे के कई पहल होते हैं ना, जिस पहल से हीरे को देखो वो चमकदार होता है, चमकता है। ऐसे ही गुरु के द्वारा गढ़ा हुआ शिष्य, और एक बात ये बता दूं, गुरु कभी भी किसी शिष्य को शिष्य नहीं बनाता है। अभी पूर्व साथियों से सुन रहे थे ना कि पारस पत्थर का उदाहरण, पारस पत्थर के लिए चर्चा है, किंवदंती है, कहानी है
कि अपने संपर्क में आए हुए लोहा को सोना बनाता है। वो अपने संपर्क में आए हुए सोना को लोहा को केवल सोना बनाता है, पारस नहीं बना सकता। इतनी औकात नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं। मैं कह रहा था गुरु किसी भी साधक को, किसी भी शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। इसलिए ये आवश्यक है, ये शर्त है। क्या ये मुहावरा आपने सुना होगा ना, ये दोहा सुना होगा, गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। सही है ना, गुरु भी जान कर करना पड़ेगा साहब, केवल मान करके नहीं। मैंने कह दिया गुरु बना लो, बना लीजिए, नहीं नहीं नहीं, गुरु कीजिए जान के, अच्छी तरह से जान लो, पक्का है कि नहीं है, कि कच्चा तो नहीं है। अरे बाजार में जाते हैं ना, चार पैसे खंडा खंडी खरीदते हैं, साफ ठोकते बजाते हैं, कहीं करेक ना हो, कोई छेद ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। तो ऐसे गुरु की शरण में हम जा रहे हैं, अपने को समर्पित कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो उसको भी जानना पड़ेगा, गड़बड़ में धोखा तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए सतगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है क्या, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे स्नेह लगाए के मूलव आवे। पूरा साहेब सर्वतो भात्या, हर दृष्टि से हर तरह से पूर्ण हो। इसलिए गुरु पूर्णिमा माने पूरा अधूरा नहीं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, कभी कभी सुना होगा कि मान लो दो लड्डू हम रखे हैं आपके पास में, एक पूरा गोल है, एक टूटा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि आप किसको पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, जिसको शुगर की बीमारी नहीं होगी भाई, उसकी बात अलग है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, वो क्या किसको पसंद करेगा? टूटा हुआ लड्डू को पसंद करेगा क्या? नहीं साहब, कहते हैं पूरा चाहिए। एक छोटा बच्चा भी जो बोलना नहीं जानता लेकिन इतनी समझ है, वो भी कहेगा मुझे पूरा लड्डू चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए, इसका अधिकार है। तो पूरा गुरु होना चाहिए, आचरण संपन्न, रहनी संपन्न, बोध संपन्न गुरु। तो मैं कह रहा था गुरु का उपकारण माँ की तरह होता है, कुम्हार की तरह, गुरु कुम्हार की तरह होता है। कबीर साहब ने कहा ना, बैठ जाए बैठ जाए, गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चूट। क्या कहना कबीर साहब का, गुरु कुम्हार की तरह होता है। कैसे करता है वो? कभी आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है, शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन सतगुरु कबीर ने देखा और उन्होंने इस बारीकी से कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार की तरह है और शिष्य कच्चा घड़ा। जब कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो हाथ अंदर का सहारा देता है और ऊपर से ठोकता है, पीटता है। क्यों? इसके प्रति उनका स्वार्थ है, बिना स्वार्थ को नहीं करता, क्योंकि परिवार है, पेट है। तो उस परिवार पेट के लिए बड़ी सावधानी बरतता है, बड़ी सतर्कता रखता है, कहीं टूट ना जाए, कहीं फूट ना जाए। टूट फूट जाए सारी मेहनत खराब, फूट जाएगा तो कौन लेगा उसको, कौन खरीदेगा, कैसे उसकी रोजी रोटी चलेगी? तो कुम्हार के एक स्वार्थ होता है, लेकिन गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। उन स्वार्थ भाव से शिष्य की सेवा करता है, सहायता करता है, उसको गढ़ता है, छीलता है और इस योग्य बनाता है। आपने बीज देखा है, बीज जब अपने आप को जमीन में पूर्णतः समर्पित करता, सरेंडर कर देता है, तब कहीं वो बीज जाकर के वृक्ष बनता है। ऐसे ही अपने को गुरु के चरणों पर समर्पित करना होगा, सरेंडर कर देना होगा। गुरु महाराज आप जाने, उदाहरण आपने सुना होगा कि एक गुरु शिष्य किसी जंगल में बैठे हुए थे, जाते रहे, थक गए बैठे थे,
शाम का समय रहा होगा, गुरु शिष्य गुरु की गोद में शिष्य लेटा था। उदय कहते हैं एक सर्प आया, कहानी कहती पता नहीं क्या सच, एक सर्प आया फुफकारता हुआ, और गुरु देख रहा है आ रहा है, बस उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल अब पास ही आ गया। गुरु महाराज ने कहा, अरे तू क्यों आ रहा है इधर, चले जा दूर, यहाँ क्यों आ रहा है। सर्प ने कहा, महाराज मैं यूं ही नहीं जाऊंगा, जानते हैं मैं क्यों आ रहा हूं, मेरा मकसद क्या है। आपकी गोद में जो आपका शिष्य लेटा हुआ है ना, वो मेरे पहले जन्म का दुश्मन है, वो खूनी है, और उस खून का बदला लेना है मुझे, मैं खून मुझे खून करना है। कहा, अच्छा तुम्हें खून करना है, तुम खून चाहते हो, तो ये बता तुम्हारी अपेक्षा मैं उसको उनका खून दे दूं तो चलेगा। ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करी, मुझे खून चाहिए, चाहे आप दें चाहे मैं लूं। कहा, ठीक है रुक जाओ। शिष्य निद्रा में सोया हुआ था, गुरु चाकू निकालता है और उसके सीने में बैठ जाता है, शिष्य के गले में चाकू लगाता है। चाकू लगते ही शिष्य की नींद खुल जाती है, देखता है गुरु मेरे सीने में बैठा हुआ, जरूर कोई राज होगा, कोई मकसद होगा, कोई उद्देश्य होगा। आंख बंद कर लेता है और गुरु ब्लड निकालता है, खून निकालता है, सर्प को दे देता है, सर्प लेकर चला जाता है, मामला रफा दफा। कुछ देर बाद जब शिष्य आंखें खोलता है तो गुरु पूछता है, बेटा कुछ देर पहले कुछ हुआ था तुम्हें पता है। कि हाँ गुरुदेव, हुआ था। क्या? आप चाकू लेकर के, छुरी लेकर के मेरे सीने में बैठा और मेरी गर्दन को आपने चाकू चलाया था, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं। कहा, गुरुदेव मैं तो आपको समर्पित हूं, आप जो करेंगे मेरे हित में करेंगे, मेरे कल्याण के लिए करेंगे, मुझे क्या चिंता है। ये गुरु शिष्य, गुरु कभी किसी का अहित नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा पूरा साहेब, पूरा अच्छी तरह समझ लें जो गुरु हम करने जा रहे हैं ना, वो सही होना चाहिए। तो गुरु कुम्हार की तरह होता है, गुरु डॉक्टर की तरह होता है साहब। डॉक्टर के पास आप फोड़ा लेकर के जाते हैं, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दर्द से कराहते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या मुरव्वत करता है, उसमें बेमुरव्वत आपके फोड़े में चीरे लगाता है, चीरता है वो, और जो विकारी अंश होता है जिससे हम करा रहे हैं, दर्द से छटपटा रहे हैं, उस अंश को निकाल करके बाहर कर देता है, हमको स्वस्थ कर देता है। ऐसे कभी कभी गुरु को कड़ा होना पड़ता है, वो मुलाहिजा नहीं करता, कोई समझौता नहीं करता हमारी बुराइयों के साथ में, हमारे दोषों के साथ में कोई मुलाहिजा समझौता नहीं करता, क्योंकि जानता है ये वही रोग है जिसकी वजह से ये पीड़ित है, इसलिए उसका मुलाहिजा, बेमुलाहिजा से ऑपरेशन करता है, फिर फाड़ करता है, निकालता है। तो गुरु में बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए ऐसे गुरु को पा करके हमें कृतकृत होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी हैं लोग, कृतघ्न लोग, जो गुरु के उपकार को प्राप्त करके भूल जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि जो गुरु किंचित निंदा करी सीकर स्वान जन्मते धरी, ऐसे गुरु को प्राप्त करके कोई उसकी आलोचना करता है, निंदा करता है, वो पता नहीं किन किन खानियों में जाता है। और गुरु सीरी से उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। जो गुरु के उपदेश को ना मान करके जो मनमुखी हो जाता है, फिर ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई, उसको कोई राख नहीं सकता, उसको बचा नहीं सकता, कोई शख्स नहीं, कोई शक्ति नहीं, ऐसे कौन बचाएगा उसको। इसलिए हमें गुरु का उपकार मानना चाहिए, गुरु की सीख माननी चाहिए, और जो गुरु की सीख नहीं मानता है ना, वो दुनिया में जगह जगह भीख मांगता है। भीख मांगने का मतलब
परेशान होना, गिड़गिड़ाना, कहीं मंदिर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है, कहीं और जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ गिड़गिड़ाता रहता है, ये गुरु की सीख को ना मानने के अभाव। इसलिए हमें गुरु के उपकार को मानते हैं, गुरु पूर्णिमा पर हमें संकल्प निश्चय करें। बहुत से ऐसे गुरु लोग भी होते हैं, मैंने देखा है, सुना है, किसी परंपरा में आप दीक्षित हो गए, तो कहता है कि अब तू इस घेरे से, इस बाउंड्री से, इस कुएं से बाहर निकल के मत जाना, क्योंकि तुम्हारा उद्धारक तो केवल हम ही है ना, बाहर कोई गुरु नहीं। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, सार सार को ले रे थोथा दे उड़ा, सार ग्राही बनो, जहां सार मिलता है लोग। कबीर साहब कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन ऐसे गुरु हैं समाज में जो कहते हैं हम ही हैं, हमसे तुम्हारा उद्धार होगा। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर, गली गली गुरुवा गोहराए, दीक्षा मंत्र ले और तरे तराए, हम नहीं जाने धोती पिछौरा दे। अरे हमसे दीक्षा ले लो, तरो चाहे मरो, हम उसे कहवा, हमको दीक्षा दे दो भाई, दक्षिणा दे दो, बस बात खत्म। क्या गजब के लोग हैं। खैर, हमारे बीच और भी बहुत से वरिष्ठ उपस्थित हैं, विराजमान हैं। मैं इस कड़ी को और आगे न बढ़ाते हुए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ श्रद्धे श्री कृपा संत साहब जी से कि आप आए और अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रद्धे संत श्री कृपा संत साहब जी, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप लोग बहुत देर से संतों के द्वारा विचार सुन रहे हैं। हो सकता है आलस भी आ सकता है, आइए उस आलस को दूर करने के लिए हम लोग जोर से जयकारा करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल करम जनित अघ पीर, अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज गन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वो पर सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जो, ऐसे मुक्त स्वरूप जो सिर गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सदगुरु देव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, दूर दराज से आए हुए आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामय माताओं बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संतों के द्वारा गुरु का जो महत्व है, गुरु की महिमा है, गुरु का जो देन है, इस संदर्भ में हम लोग सुन रहे थे।
वास्तव में इस धरती में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उपकार यदि है तो गुरु का उपकार है। इस संदर्भ मुझे एक कहानी याद आई। कहा जाता है एक बार देवताओं में चर्चा हुई कि सबसे बड़ा कौन है जिनकी पूजा की जाए। एक देवता ने कहा, सबसे बड़ी यदि है तो ये धरती माँ है, सबसे बड़ी यदि है तो धरती माँ है, क्योंकि धरती से ही सबकी पैदाइश है, धरती से ही सबका पालन पोषण है। देवता ने कहा, सबसे बड़ी यदि है वह है धरती माँ, इसलिए धरती को माँ से तुलना किया गया। एक देवता ने कहा, धरती माँ बड़ी होती तो शेषनाग के फन में क्यों पड़ी होती, इसलिए शेषनाग बड़ा है। एक देवता ने कहा, अगर शेषनाग बड़ा होता तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा होता, इसलिए शंकर भगवान बड़ा है। एक देवता ने कहा, अगर शंकर भगवान बड़ा होता तो कैलाश पर्वत में क्यों खड़ा होता, इसलिए कैलाश पर्वत बड़ा। एक देवता ने कहा, अगर कैलाश पर्वत बड़ा होता तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा होता, इसलिए हनुमान जी बड़े हैं, वे पूजनीय हैं। एक देवता ने कहा, अगर हनुमान जी बड़े होते तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े होते, इसलिए राम जी बड़े हैं। एक देवता ने कहा, अगर राम जी बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े होते। ताली बज गई देवताओं के बीच में, सबसे बड़े कौन, गुरु। वास्तव में सबसे बड़े यदि है तो गुरु है। उपासनी यदि है तो गुरु है। वैसे दुनिया में अगर देखा जाए तो दो प्रकार की उपासनीय है, एक अपराभक्ति और दूसरा पराभक्ति। स्वामी शंकर ने स्वीकारा है, कबीर साहब ने सगुण भक्ति कही है और निर्गुण भक्ति कही है। दो प्रकार की उपासना भक्ति परंपरा में बताई गई है। सगुण भक्ति यदि है, कबीर साहब के विचार के अनुसार, स्वामी शंकराचार्य के विचार के अनुसार अथवा पूर्व ऋषियों के विचार के अनुसार अगर देखा जाए तो सगुण भक्ति है ये प्राणी जगत है। वस्तुतः गृहस्थी आश्रम में प्रथम उपासनीय अगर है वह माता पिता है। हमारे पूर्व ऋषियों ने इस संदर्भ में कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चार को देवता माना है। उसमें पहला देवता माँ को माना है। वास्तव में माँ ही पहला देवता है। हमारे ऋषि कहते हैं, गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार अर्पिता से कम नहीं है, उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। सर्व तीर्थ मई माता, सर्व देव मई पिता, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया और सभी देवों में देव पिता को बताया गया है। तो पहली उपासना, पहली भक्ति अगर सगुण है तो हमारे गृहस्थी आश्रम में माँ बाप है। लेकिन आज उस माँ बाप की जो उपासना है
वे घटती जा रही है। पहले उपासनीय तो अपने घर में ही है, जो ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में है, लेकिन आज शिक्षित कहे जाने वाले अपने जो वृद्ध पिता है या वृद्धा माँ है, उन्हें वृद्ध आश्रम में डाल रहे हैं। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? माँ बाप बूढ़े हो जाएं और उन्हें वृद्ध आश्रम में डालते जाएं? और ये वृद्ध आश्रम में डालने वाले कौन है? जो डॉक्टर कहे जाने वाले, मास्टर कहे जाने वाले, इंजीनियर कहे जाने वाले, ये सब हैं जो अपने वृद्ध पिता को, वृद्धा माँ को वृद्धा आश्रम में डाल रहे हैं। किंतु हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है वृद्ध माँ बाप की अंतिम में उनकी सेवा की जाए, ये पहली उपासना है। और ये है सगुण उपासना है, कबीर साहब ने स्वीकारा और स्वामी शंकराचार्य ने इसी को पराभक्ति उन्होंने मानी है। और माँ बाप से कहीं ज्यादा उपकार गुरु का है, सदगुरु का है। गुरु अनेक हो सकते हैं, इस संदर्भ में आप लोग सुना भी होंगे, गुरु अनेक हो सकते हैं, जो हमें एक एक कला, जो व्यवहार में जो हमें सिखाते हैं, वे सब गुरु के रूप हैं। वैसे पहला गुरु तो माँ बाप ही है, उसके बाद दूसरा गुरु दाई जो नरा छीनने वाली है, नामकरण करने वाले हैं, राम नाम का मंत्र देने वाले हैं। और गुरु की जो श्रेणी है आगे बढ़ती जाती है, अंततः इस भवबंधन से हमें छुड़ाने वाले यदि हैं वे सदगुरु हैं। सदगुरु में सद विशेषण लगाया गया है, क्योंकि आज के युग में गुरु घंटाल भी हैं, इसलिए सदगुरु के विषय में बताया जाता है, यहाँ सद विशेषण लगाया जाता है। वैसे गुरु अपने आप में पूर्ण है। गुरु का अर्थ ही होता है वजनदार, गुरु का अर्थ ही होता है महान। महान में, महानता में और विशेषण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ सद लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि गुरु के नाम पर बहुत से आज गुरु घूम रहे हैं। इसलिए सच्चे गुरु की भी हमें परख करनी होगी। सच्चे गुरु की परख वो है, सामान्य तौर में वे वैराग्यवान हो, रहनी संपन्न हो और अंधविश्वास और चमत्कार से दूर हो। ये गुरु की अपना एक तरह से मोटी पहचान है। आप सब इस संदर्भ में सुना ही है, मैं ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा। तो सदगुरु वास्तव में जो विवेकवान, वैरागवान, जो रहनी संपन्न है, वे सदगुरु होते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु की उपासना पर वे जोर भी देते हैं, लेकिन जहाँ पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं, बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब। सदगुरु कबीर गुरु की उपासना तो बतलाते हैं। बीजक को आप पढ़ें तो जगह जगह गुरु कैसे होना चाहिए इस संदर्भ में बीजक में कई जगह उन्होंने कहा है। सदगुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाहीं, दरिया सो न्यारा रहे, दिसे दरिया माए। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे, कबीर अष्ठाकुर से ये उबरिए जाकी छा। संकट सोच पोच या कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अत निश्चल, तहाँ उठ मिलहु कबीरा। तई साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो। कबीर साहेब
सदगुरु की उपासना वे बतलाते हैं। अगर देखा जाए तो भगवान से कहीं बड़े सदगुरु होते हैं। अभी मैं इस संदर्भ में कहा भी हूँ कि भगवान से कहीं बड़े वे हैं सदगुरु हैं। जो भगवान कहे जाने वाले भी गुरु किए, गुरु की शरण में गए, गुरु को उपासना की, इसलिए वे सब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं, भगवान कहलाएं। तो सबसे बड़े यदि हैं वे हैं गुरु हैं, सदगुरु हैं। और माता पिता के पास सदगुरु और परम उपासनीय है, अंततः और परम उपासनीय अपनी अंतरात्मा है। गुरु हमें ज्ञान की ओर, आत्मा की ओर लखाते हैं, और आत्मा ही वास्तव में परम उपासनीय है। शर्त यह है, माँ बाप की सेवा करते हुए, संत गुरु की सेवा करते हुए आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अंतःकरण विशुद्ध होता जाता है और अंतरात्मा की ओर हम बढ़ते जाते हैं। और ये अपने जगह अगर देखा जाए तो परम उपासनीय है, वो है अंतरात्मा की उपासना। निर्मल मन में ही परम आत्मा का अनुभव होता है, प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम। स्वामी शंकर की बार बार याद आती है, प्रसन्न मन में ही, प्रसन्न चित्त में ही परम आत्मा का साक्षात्कार होता है। निर्मल मन में ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैंने आपके बीच किनकी उपासना होनी चाहिए इस संदर्भ पर मैंने कुछ देर आपके बीच निवेदन किया। पूज्यवर साहब जी विराजमान हैं, आगे हमारे संचालक विराजमान हैं, आगे वे निर्देश करेंगे। एक बार भाई और जोर से, उत्साह से जयकारा हम लोग करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अविनाश साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। अभी श्रद्धेय संत श्री कृपा साहब जी के द्वारा बहुत ही कृपापूर्ण उनकी वाणी गुरु पूर्णिमा पर श्रवण कर रहे थे। बिना किसी औपचारिक समीक्षा के मैं आगे बढ़ता हूँ। और हमारे बीच उपस्थित है हमारे बहुत ही सम्माननीय गुरुदेव जी के अत्यंत प्रिय, उनके शिष्य गुरुदेव जी की विशेष कृपा रही है उन पर, बड़े ही विद्वान और यशस्वी लेखक पार प्रकाश में आप लोगों ने देखा होगा, डीडी पासवान भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस अवसर पर आप आएँ और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री डीडी पासवान जी। परम पूज्य गुरुदेव जी, सभागार में उपस्थित गुरुजन, संतजन, धर्म प्रेमी बंधुओं, बहनों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर बहुत गुरु महिमा की चर्चा हो रही है। सुबह से संतों ने जिसकी विस्तृत जानकारी यहाँ रखी, मैं जिन्हें परम आदर्श सर्वश्रेष्ठ गुरु, सदगुरु, विश्वगुरु, सर्वकालिक गुरु मानता हूँ, वो है सदगुरु संत सम्राट श्री कबीर साहब। कबीर साहब को आज मैं नमन करता हूँ। उनसे पहले जितने सदगुरु हुए हैं उन्हें नमन करता हूँ। ब्रह्मान
वर्तमान समय में उपस्थित सद्गुरुओं को नमन करता हूँ। आने वाले समय में जितने सद्गुरु होंगे उन्हें भी नमन करता हूँ। गुरुओं की परंपरा बहुत लंबी चौड़ी है। अब पग पग पर गुरु मिलते हैं। जब से बालक जन्म लेता है माँ पिता परिवार समाज में गुरुओं की एक लंबी श्रृंखला है जिससे जिनके अनुभव का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। संतों ने गुरु महिमा, गुरुओं पर समर्पण, गुरुओं के लिए निछावर करने की बात की है। मैं थोड़ा सा हटना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला है, आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा हटने के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद हो बताए। उस गुरु को पहले पूजा करो जिसने गोविंद से परिचय कराया। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ऐसे गुरुओं की संख्या कितनी है? कोई कहता है नमाज पढ़ो, कोई कहता है गिरजा घर जाओ, कोई कहता है नंगा रहो, कोई कहता है कस्सी काटो, कोई कहता है गाय काटो। ये सभी गुरु ही हैं। जो घर में सेंध काटने की शिक्षा देता है वो भी गुरु है। आजकल कंप्यूटर में बड़े बड़े गुरु हुए, कंप्यूटर में सेंध लगाते हैं। देश के बैंकों से कितने हजार करोड़ लाख करोड़ लूट करके एक एक व्यक्ति ले गए हैं। कैसे? उन्हें ज्ञान है, उसका ज्ञान किसी ने दिया है, स्वर्जित नहीं है, वो सब गुरु है। फिर इतनी गुरु की महिमा गाने के बाद हम ब्रह्म में पढ़ते हैं और कुछ ऐसे गुरुओं को सम्मान देते हैं जो समाज में ठगने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने स्वयं कहा, ये कलिगुरु बड़े प्रपंची। उनके जमाने में भी ऐसे थे, तभी कहा होगा, क्योंकि आंख के देखा हुआ ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। उन्होंने लिखा हुआ कुछ नहीं कहा, जो उन्होंने अनुभव किया, जो देखा वही कहा। आज के गुरुओं की, करतूतों की अगर चर्चा हो तो पता नहीं घंटों बीत जाएगा। बहुत सारे गुरु कहलाने वाले आज जेलों के पीछे सड़ रहे हैं, उनके करतूतों से लोग परिचित होंगे। अगर नहीं है तो गुरु करने वाले उनसे उनके करतूतों को जाने। लेकिन अंधभक्ति ऐसी, अंधश्रद्धा ऐसी कि उनके पीछे आज भी लोग, दो चार नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों लोग खड़े हैं उनकी सिफारिश में, उनके दर्शन पाने के लिए। तो हर जगह सावधानी की जरूरत है। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। गुरु भी बहुत धोखा देते हैं। अच्छे गुरु की पहचान
करना भी हमारा आपका कर्तव्य है। गुरु निकालने, अब गुरु खोजने के चक्कर में हम पढ़ते हैं, अब ऐसे गुरु के पीछे पड़ जाते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, जिसके दिमाग में, जिसकी बुद्धि में छल कपट धोखा है। एक स्वामी विवेकानंद की चर्चा होती है, स्वामी विवेकानंद शिकागो शायद जा रहे थे, कहीं दक्षिण भारत में किसी स्थान पर ठहरे हुए थे। उस समय कोई राजा महाराजा था जिनके यहाँ ठहरे थे, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था जिसमें एक नाचने वाली का प्रोग्राम था। उस नाचने वाली को मालूम हुआ था कि आज विवेकानंद यहाँ है, तो वो खुश थी, प्रफुल्ल थी कि स्वामी विवेकानंद भी आज मेरा नृत्य देखेंगे। लेकिन विवेकानंद, उन्हें जब मालूम हुआ कोई नृत्यांगना है, तो उन्होंने कहा वहां जाना बेकार है, वहां नहीं गए। नहीं गए तो उसे बड़ा अफसोस हुआ नाचने वाली को। उसने गाना, गीत गाया, शायद उसके बोल थे कि तुम किसको सुधारोगे, जो सुधरा हुआ है उसको मैं मानती हूँ कि मैं गिरी हुई हूँ, मैं पतित हूँ। अगर मैं पतित हूँ, मेरे पास तुम आने से घबराते हो, तब तुम सुधारोगे किसको? ऐसे तो वो शायद कहा जाता है कि विवेकानंद जी ने ये बात सुनी, वहां पहुंच गए, उन्हें देखा। तो गुरु ऐसे होते हैं। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पूजो, मेरी पूजा करो, मैं सदगुरु हूं। लेकिन आज के जितने गुरु हैं, वो कहता है मेरी पूजा करो, मेरे पूजने से स्वर्ग मिलेगा और क्या क्या नहीं, सब कुछ देते हैं। अब इसी में खूब धर्म युद्ध चलता है, धर्म क्षेत्र में खूब धर्म युद्ध गुरुओं में चलता है। हम बड़े कि तुम बड़े, मेरी बात अच्छी, मेरी बात सच्ची। लेकिन संत सम्राट कबीर साहब की वाणी में आती है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान करके, खुद परीक्षा करो गुरु की, तब जाकर के गुरु करो। लेकिन अगर इतिहास देखें तो गुरुओं के श्रृंखला में ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने शिष्य तो बनाया नहीं, उनको अगर मान करके पूजा एकलव्य ने किया। अब बाद में उसने कहा कि गुरु आप हैं, तो उसने कहा अंगूठा काट के दे दो गुरु दक्षिणा में। तो सदगुरु की पूजा करना है, सदगुरु को नमन करना है, सदगुरु से प्रेरणा लेनी है। लेकिन ऐसे गुरुओं से जो धोखा देते हैं, उनसे सावधान भी रहना है। हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को जो सुधारे, जो हमें कुमार्ग से निकाल करके सदमार्ग पर डाले, बुराई छोड़ करके अच्छाई पर चलना सिखावे, दूसरों का अहित करने की बात छोड़ करके पर हित की बात सिखावे, वो सतगुरु हैं। ऐसे सतगुरुओं को सर्वकालिक नमन होना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं ऐसे सतगुरुओं को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री डी डी पासवान जी को, उन्होंने हमें ये सावधान रहने को कहा कि गुरु के नाम पर बहुत सारे गुरु घंटाल होते हैं, हमें उन्हीं उनकी परख करनी चाहिए जो ये कहते हैं कि हमारे पास आने से, हमारे दीक्षा लेने से ये तुम्हारा बेड़ा पर हो जाएगा। सचमुच कबीर साहब ने भी हमें इसके लिए बड़ा सावधान किया है कि जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पराए। जो खुद बोधवान नहीं है, रहनी संपन्न नहीं है, वो आदमी क्या तार सकता है। खैर आगे चलते हैं, कुछ ही क्षण बाकी है, हमारे बीच गुरुदेव जी विराजमान हो चुके हैं। मैं और आपका अधिक समय ना लेते हुए कुछ देर के लिए हमारे बीच उपस्थित श्रद्धेय संत श्री अशोक साहब से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप आए और कुछ देर के लिए अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रद्धेय संत श्री अशोक साहब जी। मेरे मानस मंदिर में विराजमान आराध्य देव को नमन करते हुए गुरु रूप विद्यमान यहाँ पर गुरुदेव जी, गुरु रूप संत समाज, गुरु प्रेमी भक्तजन एवं देवियों, पूर्णिमा वर्ष में 12 बार होती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा केवल एक बार होती है। आकाश में अनगिनत तारे उदित हों, लेकिन वे पूर्णतया अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो जाता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भाग्य के, विभव के, पद अधिकार के कितने ही सितारे क्यों न जड़े हों, चमकते हों, लेकिन जब तक हमारे अंतःकरण में पूर्ण सद्गुरु रूपी चंद्रमा का उदय नहीं होगा, हमारे हृदय का अंधकार, हमारे मन का अंधकार, अज्ञान, अविद्या, विकार नष्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। त्याग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, उदारता, सद्गुणों से संपन्न सद्गुरु की आवश्यकता है। पूर्व के सद्गुरु गुरुजन कितने ही महान क्यों न रहे हों, आज हमारे हृदय में, मन में किसी प्रकार का शंका समाधान, कोई शंका हो, हमारे कोई क्लेश हो, कोई मानसिक, तो उसका समाधान करने हुए नहीं आएंगे, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। हाँ, उनकी कृतियां, उनका जीवन आदर्श प्रेरणा देता है, लेकिन हमें वर्तमान में जीवंत गुरु चाहिए। और सौभाग्य से इस संस्थान को ऐसे गुरु प्राप्त है। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय की बात उनके सामने रखें, शंका समाधान करें और अपने कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लें। इसलिए सद्गुरु का महत्व है, गुरुजनों का महत्व है। इसके अतिरिक्त हमें जो भी प्रेरणा दे दे, एक छोटा सा बच्चा, एक साधारण भक्त साधक, कोई भी हो, यहाँ तक कि हम यदि किसी मधुशाला में बैठे हुए हैं, तो वहाँ मधुशाला में मधु पीने वाला व्यक्ति भी ये कहता है, बाबा आप यहाँ कैसे, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। वे लोग जो विकार में फंसे हुए हैं, वे भी हमें शिक्षा देते हैं। सद्गुरु तो हमें शिक्षा देते ही,
जो आदमी अंधकार में भटका हुआ है वो भी हमें सचेष्ट करता है, शिक्षा देता है। इसलिए ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे गुरुदेव और संत ही हमें शिक्षा देंगे। समाज का हर व्यक्ति प्रेरणा दे सकता है। जो लोग कहते हैं हमें गुरु से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। समाज दर्पण है, समाज गुरु है। आप कहीं भी कोई भी गलती करेंगे, समाज में हर जगह आपको चेताने वाले लोग हैं। इसलिए हमें हर जगह से शिक्षा लेनी चाहिए। ये संपूर्ण प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है। खिलते हुए फूल हमें हंसते मुस्कुराते और प्रसन्न रहने की शिक्षा देते हैं। कलकल छल छल करती हुई नदियाँ, बहती हुई नदियाँ हमें सतत कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। लदे हुए फल हमें शिक्षा देते हैं कि आप कितने ही विद्वान, कलाकार, धनवान क्यों न हो, लेकिन यदि आप में विनम्रता नहीं आई, आप झुके नहीं, तो आपका सब व्यर्थ है। इसलिए हमें प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति भी शिक्षा देती है। हमारे जीवन की घटनाएं, जो हमने किया, गलत किया, ठोकरें लगती हैं, वे ठोकरें भी हमें शिक्षा दे जाती हैं। इसलिए शिक्षा दे जिसे लेनी है, जिसे गुरु का उपकार मानना है, प्रकृति का कणकण हमें शिक्षा दे रहा है। और अंततो गत्वा साहेब गुरुदेव कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि तय सुतमान हमारी सेवा तो कह राज देव हो देवा। दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। सदगुरु का हृदय कितना महान होता है कि वह कहते, मैं कहो तुम्हें दादा कहूँ, भैया कहूँ, पप्पा कहूँ, तुम्हारे चरणों की शिष्यता स्वीकार करता हूँ, करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना कल्याण कर लो तब। इसलिए गुरु का जो महत्व है वह यही बताता है कि हम बाहर से लौट करके अपने कल्याण मार्ग में लगे और अंततः अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति हो। हजूर ठाड़का तो अब ते समर संभार, तो खुद हुजूर है तेरे अंदर में जो विराजमान सत्ता है, तेरी आत्मा यानी तू खुद स्वयं गुरु रूप है। गुरु हमें क्या बताते हैं, ये करो और ये न करो। हमारे अंतरात्मा के दो स्वर निकलते हैं, ये करो और ये न करो। हमारे अंतरात्मा में गलत काम करने चलते हैं तो अंदर से ब्रेक लगता है, उस आवाज को दबा करके हम गलत कर्म करते हैं, दुख पाते हैं। इसलिए हमारे अंतःकरण में जो आवाज उठती है वो गुरु की ही आवाज है। हम उस आवाज को पहचाने और इस प्रकार बाहर में जो गुरु हैं, संत हैं, समाज है, साहित्य है, उसका अवलोकन करें, उससे जो प्रेरणा लें और अंततः अपने हृदय में मनन करें और उसके अनुसार जीवन का उपयोग करें, कल्याण मार्ग में आगे बढ़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब हमारी प्रतीक्षा की घड़ी बिल्कुल समाप्त हो रही है, जिसके इंतजार में हम सब बैठे हैं। पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ कहें, इसके पूर्व एक भजन हम श्रवण करेंगे, तब तक हमारे साथी माइक सेट करें। तो गुरुदेव जी के आशीर्वचन सुनने के पहले एक भजन श्रवण करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे साथी संत श्री हिरेन साहब से कि आए और इस संबंध में एक भजन रखने का कष्ट करें। श्री हिरेन साहब बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आइए आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा पद प्रस्तुत करता हूँ। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस
दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। अश्वन के धारा से अर्चन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, मुझको प्रभु जी मेरे कभी ना भुलाना। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, मुझको प्रभु जी मेरे कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा जब निस दिन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है। जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।